हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ जो है अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करने के लिए आई हूँ। और साथ में ही काफी कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि मैं अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर बस कुछ रीजन थे जिसके कारण मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने काफी टाइम सोचा तो मुझे लगा आप लोगों के साथ जो है मुझे अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी जो है मेरी एक फैमिली जैसे ही हैं। हमारी लाइफ में अच्छा और बुरा वक्त तो आता ही है, तो बस हम बुरे वक्त को जो है याद नहीं करना चाहते हैं। तो वही कारण था कि मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर नहीं कर रही थी, पर मैंने काफी टाइम सोचा फिर चलिए आज आप लोगों के साथ जो है अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर ही कर लेती हूँ। कहना चाहूंगी कि मेरी शादी को जो है 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2009 में जो है मेरी शादी हुई थी नवम्बर में, और अभी जो है 11वां साल चल रहा है। आप लोगों के साथ अपनी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी, अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी बताती हूँ आपको। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है मेरी शादी के 8 महीने बाद हुई थी, और साथ में ही उस टाइम जो रक्षाबंधन था तो रक्षाबंधन के लिए मैं अपने ग्वालियर गई हुई थी। तो बस वहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड भी थे, तो वहाँ पर जो है हमें ये खुशखबरी मिली थी, और साथ में ही जो है बस रक्षाबंधन के साथ हम लोगों ने ये खुशी भी सेलिब्रेट की थी। और मेरे मायके में जो है मैं सबसे बड़ी हूँ, तो बस यहाँ पर जो है काफी टाइम के बाद हमारे घर में जो है न्यू बेबी आना था, तो मायके में सभी लोग खुश थे। साथ में ही मेरे ससुराल में भी सब लोग काफी खुश थे। ग्वालियर में हम लोगों ने जो है डॉक्टर को दिखाया, तो बस डॉक्टर ने जो है नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं वैसे ही दिया, क्योंकि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी। और इसके बाद जो है हम लोग इंदौर आ गए थे, तो यहाँ पर भी जो है मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी। तो बस जो है 2.5 महीने में मुझे अचानक से ही प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया कि क्या रीजन था ऐसा हुआ। तो बस डॉक्टर ने यही बोला कि नॉर्मल है, आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है मिसकैरेज। तो बस यहीं पर डॉक्टर ने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दिया, तो बस हम लोगों ने फिर इतना नहीं सोचा। और जो है काफी लोगों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारा जो है फर्स्ट बेबी था। तो बस फिर डॉक्टर से भी हम लोगों ने कंसल्ट किया, पर डॉक्टर ने कहा नॉर्मली ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस उन्होंने जो है थोड़ा बहुत दवाइयां दी 10 से 15 दिन की, तो बस उस प्रॉब्लम होगी, तो इतना जो है हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जो है फिर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी आई, तो वो भी रक्षाबंधन के टाइम ही आई, और उस टाइम ही जो है मैं ग्वालियर में ही थी। तो बस वहां पर भी जो है हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, तो बस नॉर्मली ट्रीटमेंट चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद जो है रक्षाबंधन करने के बाद मैं फिर से जो है अपने ससुराल में ही आ गई थी। और ससुराल में मैं आप लोगों को बता दूं, मैं उस टाइम जो है दिवाली का टाइम चल रहा था, सितंबर था, तो बस घर की साफ सफाई कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे, मैं सिर्फ जो है चेयर पर बैठी हुई थी। तो मैं कुछ उठाकर उन्हें दे रही थी चेयर पैसे, और साथ में ही नीचे जो है थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, तो मैं चेयर से स्लिप हो गई। तो उसके बाद थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम हुई, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने फिर जो है हमसे सोनोग्राफी वगैरह कराने के लिए कहा। तो उस टाइम तो डॉक्टर ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके बाद जब हम लोगों ने सोनोग्राफी कराई तो उसमें देखा कि बेबी की जो हार्ट बीट ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने यही कहा कि अब कोई मतलब नहीं है, तो फिर जो है हम लोगों को डीएनसी करानी पड़ी। और फिर जो है ना काफी बुरा लगा, क्योंकि 2 साल मेरे संग ऐसे ही हुआ था कि तो हमेशा यही होता था कि रक्षाबंधन पर जो है खुशियां आती थी, और दिवाली के आते आते जो है प्रॉब्लम आ जाती थी, तो काफी बुरा लगता था। तो हम लोगों ने जो है दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट नहीं की, हमारी दोनों दिवाली जो है शादी के बाद मेरी ऐसी ही निकली। फिर इसके बाद जो है मैं ग्वालियर गई थी, फिर ग्वालियर से जो है एक डॉक्टर है, तो जिससे जो है मेरी मम्मी भी ट्रीटमेंट लेती आई है, तो फिर मैंने जो है उन डॉक्टर को दिखाया। फिर उन डॉक्टर ने जो है मेरे कुछ टेस्ट वगैरह कराए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी जब पहली बार ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो आपके डॉक्टर ने क्यों टेस्ट नहीं कराए। तो हम लोगों ने यही बोला कि हमने डॉक्टर से पूछा था, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि नॉर्मली ऐसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डॉक्टर ने जब टेस्ट कराया, तो उसमें जो हल्का सा इन्फेक्शन आया, तो डॉक्टर ने यही कहा कि आपकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसके कारण ही आपको दूसरी बार भी यही प्रॉब्लम हुई है। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर ने मुझे 10 से 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया। तो है बस फिर हम लोग जो है मई में गए थे वैष्णो देवी, क्योंकि हमारी मम्मी भी जा रही थी, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा हम लोग भी जाएंगे। तो बस मम्मी के साथ हम लोग जो है अप्रैल में वैष्णो देवी गए थे, और बस वहां से जो है माता रानी से यही बोल के आई थी कि माता रानी जो है हमारे घर में भी खुशियां आ जाएं। तो बस मैं आपसे आने के बाद फिर जो है हमें जून में कन्फर्म हुआ कि प्रेगनेंसी है, और इसके बाद जो है फिर हमने अच्छी डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराया।
बस यहाँ पर जो है पूरा 9 महीने अच्छा खासा ट्रीटमेंट चला है, पर डॉक्टर ने जो है मुझे टोटली रेस्ट करने के लिए बोला था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आपको 2 बार ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इस बार जो है आपको टोटली रेस्ट लेना है, बाहर नहीं जाना है। तो बस मैं फिर जो है मैंने 9 महीने अच्छा खासा रेस्ट लिया, और साथ में इसी टाइम जो है बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ गई थी कि मेरे हस्बैंड को जो है अपनी जॉब से रिजाइन भी करना पड़ा था, तो उस टाइम जो है ना काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि ये हमारी तीसरी दिवाली थी और दिवाली के आते आते जो है मेरे हस्बैंड को रिजाइन करना पड़ा था, तो उनका जो है ट्रांसफर कहीं बाहर कर दिया गया था और हम लोग जो है जाना नहीं चाह रहे थे, तो उन्हें बस रिजाइन करना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं लास्ट मेरी जो है डिलीवरी का टाइम चल रहा था, यानी नवम्बर चल रहा था, और उस टाइम ऐसा हुआ ना तो काफी बुरा लगा। तो जो है तीसरी दिवाली भी हम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं की, क्योंकि एक जो जॉब नहीं थी तो थोड़ी सी टेंशन तो थी। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारा निकुज जो है हमारे लिए काफी लकी रहा है, तो बस बैंड ने जो है जिस कंपनी में अप्लाई किया था, तो मेरी डिलीवरी जो है 15 जनवरी को हुई थी और जो है मेरे हस्बैंड को 25 दिसंबर को वहां से ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, तो उनने जो है दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। तो बस मैं अपने तो यही कहना चाहूंगी कि हमारा निकू ना काफी लकी रहा है। तो बस निकू के आने से पहले जो है मेरे हस्बैंड ने कंपनी ज्वाइन की थी, और फिर इसके बाद जो है डिलीवरी के लिए मैं अपने मायके चली गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरी सासू माँ की एज हो चुकी है तो वो इतना नहीं कर पाती, और साथ में ही मेरी जेठानी भी है तो उनके भी 2-2 बच्चे हैं, तो वो भी स्कूल वगैरह जाते हैं, तो वो पूरे घर को मैनेज करती थी। तो मैं डिलीवरी के लिए अपने ग्वालियर चली गई थी, तो बस वहां पर जो है मेरी डिलीवरी हुई। 7 जनवरी को जो है मैं ग्वालियर गई थी, और हमारे निकू का बर्थ जो है 15 जनवरी को हुआ था। तो बस इसके बाद जो है निक्कू हमारे लिए काफी लकी रहा है, हम लोग काफी लकी मानते हैं, क्योंकि निक्कू के फर्स्ट बर्थडे पर ही हमने ये घर परचेज किया था। तो बस जब से हमारे घर में निक्कू आया है तो काफी हैप्पी हो गया था। और इसके बाद मैं बता दूं शादी के पूरे 3 साल के बाद जो है ना जो चौथी दिवाली हम लोगों ने निक्कू के साथ काफी हैप्पी सेलिब्रेट की थी, वरना जो है मैंने शादी के बाद एक भी दिवाली मेरी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुई थी। तो जो है निकू के आने के बाद काफी कुछ चेंज हो गया था और लाइफ काफी अच्छी हो गई थी, और बस हम लोगों ने काफी अच्छे से अपनी दिवाली सेलिब्रेट की थी। फिर इसके बाद जो है निकू 1 ईयर का हो गया था, और हम लोगों ने फिर यहाँ पर ये फ्लैट लिया था, क्योंकि मेरे मिस्टर को जो है अप डाउन करने में काफी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि काफी लंबी उन्हें जो है बाइक चलानी पड़ती थी, तो इसीलिए लोग हमने सोचा था कि हम जो ऐसी लोकेशन पर घर ले लेंगे जिससे कि हमारा ससुराल भी पास में रहेगा और मेरे हस्बैंड को भी जो है जॉब करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर इसके बाद हमने जो है सेकंड प्रेगनेंसी के लिए मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि जरूर कि मेरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस है ना ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि मेरी वैसे तो नॉर्मल ही डिलीवरी थी, पर मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी, काफी पेन हुआ था, और साथ में ही जो है निक्कू के गले में नॉट लगी हुई थी, तो डॉक्टर ने यही बोला था कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे, और अगर बेबी को कोई भी तकलीफ होती है तो फिर हम सिजेरियन करेंगे। तो बस यहाँ पर डॉक्टर ने जो है पल पर पल चेक करती रही थी, तो बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इससे ऐसे जो है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, पर काफी पेन हुआ। तो बस जो है फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो मैंने कान पकड़ लिए थे कि मैं सेकेंड बेबी के लिए नहीं सोचूंगी, क्योंकि ना काफी तकलीफ हुई थी, तो उन्होंने सोचा था कि सेकंड बेबी नहीं करेंगे क्योंकि काफी तकलीफ होती है। तो इसके बाद फिर जब है ना निक्कू जो है 2-3 साल का हुआ, साथ में ही मम्मी पापा भी कहने लगे कि 2 बच्चे होना चाहिए, 2 बच्चे अच्छे होते हैं, फिर ससुराल से भी सभी लोग कहने लगे कि 2 बच्चे होना चाहिए, 2 बच्चे रहते हैं तो अच्छा रहता है, बच्चा अकेलापन महसूस नहीं करता है, साथ में दोनों खेलते हैं, ऐसा होता है। तो फिर जो है सभी लोगों ने कहा, और फिर मेरी जो जेठानी है तो उनके भी 2-2 बच्चे थे, तो बस मैंने भी सोचा कि हाँ 2 ही बच्चे होना चाहिए। तो बस हम लोगों ने जो है फिर निक्कू 5 साल का था तो टिक्कू के लिए सोचा, तो टिक्कू के टाइम भी जो है मुझे जून में ही कंफर्म हुआ था कि प्रेगनेंसी है, और टिक्कू के टाइम भी जो है पूरे 9 महीने ट्रीटमेंट चला, और साथ में ही टिक्कू के टाइम भी जो है डॉक्टर ने मुझे टोटली रेस्ट ही बोला था। तो बस हमने टोटल रेस्ट किया है, और साथ में ही मैं आपको बता दूं तो मेरा प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मुझे काफी प्रॉब्लम होती है और सारा काम जो है मेरे हस्बैंड को ही करना पड़ता है। तो निक्कू के टाइम भी जो है मेरे हस्बैंड ही घर का सारा काम करते थे, और फिर इसके बाद यहाँ पर टिक्कू के टाइम भी ऐसे ही था, मुझे रेस्ट करने के लिए बोला था डॉक्टर ने, तो टिक्कू के टाइम भी मेरे हस्बैंड जो है अधिकतर घर का काम करते थे,
और मैं कहूंगी हमने यहाँ पर पूरे 9 महीने ट्रीटमेंट लिया, तो जो है 7वें 8 महीने की जब सोनोग्राफी हुई तो टिक्कू के गले में जो है डबल नॉट थी, तो सीधे मना कर दिया था कि हम जो है सिजेरियन डिलीवरी करेंगे, नॉर्मल नहीं करेंगे, क्योंकि बेबी के गले में 2 नॉट है और हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो बस सभी लोग YouTube देखते हैं, तो मैं भी YouTube देखती हूँ, तो मैंने भी YouTube पर देखा था कि कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से जो है बेबी मूविंग वगैरह करता है तो नॉट खुल जाती है। तो बस जो है 1 मंथ था मेरे पास, तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो 1 मंथ काफ़ी पानी पिया है, जो भी रीज़न रहा है मैंने बहुत पानी पिया था। फिर इसके बाद जो है लास्ट 9 मंथ की जो हमारी सोनोग्राफी हुई, तो उसमें डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 नॉट खुल चुकी है और अब जो है नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे। पर मैं आपको यही बताऊँ, मेरी दोनों डिलीवरी काफी रिस्की रही है क्योंकि दोनों के गले में ही नॉट रही थी और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं सीजर करूंगी, वरना हम नॉर्मल के लिए ही ट्राई करेंगे। तो निक्कू की डिलीवरी से ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे टिक्कू की डिलीवरी में हुई, क्योंकि मुझे यही डर था कि जैसे फर्स्ट डिलीवरी में मुझे काफी प्रॉब्लम हुई तो सेकेंड में ना हो, पर यही हुआ कि सेकेंड में भी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, पर टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद जो है टिक्कू का हमारे 2 जनवरी को बर्थ हुआ है। हमने सोचा था कि टिक्कू का बर्थ जो है 1 जनवरी को हो, पर ऐसा नहीं हुआ, जो है उसका 2 जनवरी को हुआ। तो डॉक्टर ने यही कहा कि जब जिसको आना है वो ऊपर वाले की मर्जी रहती है, तो बस हमारे टिक्कू को जो है 2 जनवरी को ही आना था। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी फर्स्ट डिलीवरी जो है मैंने अपने मायके में करवाई थी और 2nd डिलीवरी जो है मैंने इंदौर में ही करवाई थी, क्योंकि निक्कू के स्कूल थे तो बस इस कारण जो है हमें इंदौर में ही करानी पड़ी थी। और दोनों डिलीवरी में जो है मेरी मम्मी ही रही थी, उन्हीं ने जो है केयर की थी। तो बस यही है मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी। तो बस मेरा प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा है, पर बस ऊपर वाले की कृपा है कि बस मेरे दोनों बच्चे अच्छे हैं। बस कहना चाहूँगी कि ऊपर वाले की कृपा है और बस भगवान जो है ऐसे ही अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। कहना चाहूँगी कि बस मेरे मन में थोड़ा सा यही था कि अगर मैंने जो है सच्चे मन से अपने भगवान को माना है और उनकी पूजा की है तो भगवान जो है मेरे संग इतनी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भगवान पर काफ़ी विश्वास हूँ और मैं आज भी मानती हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कि मेरे पास 2-4 कमेंट्स आए हैं कि हमें ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, ये हुआ था, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बस ऊपर वाले पर आप बस भरोसा रखिए, क्योंकि कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो मैं भगवान को काफी मानती हूँ और जो है मेरे साथ 2 बार प्रॉब्लम भी हुई थी तो मैं बहुत रोई थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो बस कभी कभी मन में यही दुख होता था कि जो है भगवान की इतनी पूजा करने के बाद भी जो है ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई मेरे साथ। पर कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो बस भगवान ने कहते हैं ना सुनी है। तो बस मेरे दोनों बच्चे हैं और यही हमारी जो है हैप्पी फैमिली है, और बस इसी प्रकार से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो बस वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैंने जो है आप लोग के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर कर ली है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी है। और चलिए फिर आज के इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।